ये बच्ची 25 जून 2020 को अपने घर से अगवा की गई और खिजर हयात नामी 45 साल का आदमी है जो पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का बाप है, उसने इसको अगवा किया। लेकिन पुलिस के अदम तामन की वजह से ये मुकदमा ही 3 सितंबर 2020 को दर्ज हुआ। थाने का सपोर्ट पूरी उन्होंने दी करन रहा, वो पुलिस उन्होंने ना रली सब कुछ, पुलिस जो भी करा दी पुलिस करा दी। आप सतारा साल से मेरी शादी नहीं हो गई है, एक मेरा वड्डा बच्चा भी है। पैदायशी पर्ची के मुताबिक और बेफार्म के मुताबिक उसकी उम्र 12 से 13 साल बनती है। तो इन्होंने मेडिकल का आर्डर दिता, मेडिकल होया जी उस 17 साल उम्र आ गई है। तो जबकि ये वालद की शादी हुई 17 साल होए आ निकाहनामे के मुताबिक। निकाहनामा जो है वो ये प्रूव कर रहा है कि फलां तारीख को जो है ये इसका निकाह हुआ है, उसके बाद एक साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ है, उसके 3 साल के बाद जो है ये जड़वां बहन भाई आए हैं, तो वो उसकी बड़ी सॉलिड प्रूव है। और मेरे पास हाई कोर्ट की बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़ रेफरेंस मौजूद हैं कि ये जो बात करते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो अच्छी है तो इसको जो है कोई ऐसी मसला नहीं है इस बात का कि हम मोसिफिकेशन टेस्ट के लिए री एग्जामिनेशन में जाएँ। पहले मैंने दादी रही कहती पापा मैंने बन के रखे संगलाना, मेरे ना जाति हुई, बाद चो उन्होंने बंदे आए चोर ही उतों के, उन्हें उन्होंने कोई रोप पाया वो मुड़ के इतने आने के एक बयान दिता, उन्हें कहा मैं पापा ना जाना, मुड़ के वो कितों आए तो मुड़ के उधर के बयान देन लग गए तो साढ़े खिलाफ़ बोलन लग गई कि ड्यूटी बाउंड था वो आईओ। कि जब भी कोई भी ऐसा पर्सन जो है किसी की हिरासत में आता है पुलिस में, तो उसकी जो भी उसकी शिनाख्त होती है, उसकी कह लें कि उसकी तलाशी ली जाती है, उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी बॉडी पे कोई ऐसी इंजरीज आती हैं, तो वो पुलिस जिम्मेदार है उस बात की। इन्वेस्टिगेशन ने ये बात जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन में नहीं लाया, चाहिए तो उसको यही था कि ये पहले तो उस निकाहनामे की जो है उसकी वेरीफाई करता और उसके मुसलमान होने की वेरीफाई करता, उसके बाद जो है अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट देता। अगर वो लीगली तौर पे जो है वो बालिग डिक्लेयर नहीं होती तो फिर उसका मुस्लिम या गैर मुस्लिम की बात जो है वो अनवैलिड है, वो सही नहीं है, वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वालदेन के साथ जाएगी या हस्बैंड के पास जाएगी, तो वो निकाह ही जो है वो फस्ख हो जाएगा, उसको कहें कि बातल हो जाएगा और वो जो है निकाह ही नहीं होगा। क्योंकि इस्लाम में भी जो बात है वो ये है कि अगर तो बच्ची की उम्र जो है वो नाबालिग है तो वो वली के बगैर निकाह नहीं कर सकती। बंद करो, बंद करो, बंद करो।